दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश यूटेक में। तो गाइस आप FMS पे अगर आपका भी नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली वीडियो आपके लिए ही बनाया गया। और अगर आपके जहन में सवाल है कि भैया स्टेटस कब से शो होगा, करेक्शन हम कब से कर सकेंगे, हमारी छात्रवृत्ति कब आएगी, जिन छात्रों की आ गई है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगी, इन तमाम सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। एक के बाद एक पॉइंट्स को कवर करूँगा, ओरली बताऊँगा, कुछ प्रूफ्स भी दिखाऊँगा, कुछ आर्टिकल्स दिखाऊँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा एक भी पार्ट को स्किप या मिस मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे देखिए लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके हिट कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही पल पल की न्यूज़ पाने के लिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि जैसे आप उमंग ऐप के यहाँ पर आप आ जाएंगे, डायरेक्टली आप सारी जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं आप अपना अमाउंट ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि आप किस करोड़ सिपाही है नहीं है ये चीज़ें आप जान सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा वीडियो पब्लिक करते ही, तो आप लोग वहाँ से इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, पहले अपना अकाउंट नंबर फिल करना है, उसके बाद फिर आपको क्या काम करना है गाइज मैं बता दूँ, मोबाइल नंबर फिल करने के अलावा बैंक नेम जो है वो फिल कर देना है। जैसे आप इन सारी चीज़ों को फिल करेंगे, अगर आपके पास जितने बैंक अकाउंट्स हैं सबको बार बार ट्राई करना है, मतलब चेक करना है कि भाई आया है नहीं आया। ये PFMS की बात हो गई। इसके पहले मैंने सुबह वाले वीडियो में APBS के बारे में बताया, अच्छा गाइज आधार पेमेंट बैंक सर्विस के बारे में बताया, चूँकि इस वक्त स्कॉलरशिप जो है 80% छात्रों की इसी के थ्रू आ रही है। तो गाइज टोटल जो आंकड़ा मैंने आपको बताया था उस चीज़ को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेटर तरीके से मालूम चल सकेगी। देखिए गाइज अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है इन दैट केस आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मैं बता देता हूँ। देखो नो रिकॉर्ड फाउंड का ये मतलब है आपकी स्कॉलरशिप अभी नहीं भेजी गई है। मेरे दोस्त मेरी भी कल स्कॉलरशिप आ गई थी और मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, देखिए मेरा PFMS पे अगर मैं स्टेटस चेक करूँगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है लेकिन मेरी स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट का जो भी अमाउंट है, आइदर आपके नाम से एक बैंक अकाउंट हो दो बैंक अकाउंट डजेंट मैटर, आपको अपना जो भी अमाउंट है वो प्रॉपर चेक करना है। मैं कहूँगा बैंक में विजिट करके टाइम निकाल के ज़रूर से देखिए, या फिर अगर आप मोबाइल से चेक करते हैं तो मोबाइल से चेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये हो गई APBS की बात। तो PFMS के छात्रों को अभी मैं कहना चाहूँगा इंतज़ार करो यार, अभी 500 करोड़ ही जो बजट है वो डिजिटल सिग्नेचर किया गया, अभी 3900 करोड़ का बजट बचा हुआ, क्या इसका अचार थोड़ी डाला जाएगा। 3900 करोड़ बहुत होता है मेरे दोस्त, अभी जिनका जैसे कुछ छात्रों का 36000 समथिंग आया या फिर 32000, तो उनका सवाल है भैया सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा। तो देखो मेरे दोस्त सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपका बहुत ही जल्द, यानी कि उम्मीद है कि दिसंबर बीतने से पहले 30 दिसंबर के पहले आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी 20000 रुपये की। इस चीज को आप समझ लीजिए, अगर आपका फीस स्कॉलरशिप जो है 56000 समथिंग आता है तो समझ गए इस बात को। अब चलिए अब बात करते हैं यहां पे कि PFMS पे आपका रिकॉर्ड नहीं पता, इसका सीधा सा मतलब है अभी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। इंतज़ार कीजिए, हफ्ते 10 दिन आ जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे, जो आपके सवाल हैं कई सारे उन पे हम बात। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरटेनमेंट वीडियोस का कहना है कि मेरी भी फर्स्ट ईयर की जनरल कैटेगरी की स्कॉलरशिप जो है वो आ गई है 7800 रुपये। तो गाइस आपको भी आपकी भी जो स्कॉलरशिप है वो ज़रूर से आ गई होगी, कमेंट करके बताइएगा आपने मतलब आपकी स्कॉलरशिप अभी आई है नहीं आई। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर पोस्ट डाला हूँ, यानी कि वोटिंग करवा रहा हूँ कि किन छात्रों की आई है नहीं आई है, जस्ट फॉर एनालिसिस, समझ लो। 56600 रुपये कुलदीप भाई की भी आ गई है। इसके अलावा आप कई सारे जो आपको स्क्रीन शॉट्स हैं वो अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कई सारे छात्र देख रहे थे पिछले वीडियो में ज्ञान मतलब दे रहे थे, एक वीडियो में क्या हुआ था कि स्पेलिंग जो था वो टाइपिंग में गलत हो गया था। तो भैया दोनों स्पेलिंग होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, VIDEO भी होता है और VEDIO भी होता है, समझ लो, समझ रहे हो। तो भैया ज्ञान न मतलब कह सकते हैं झोंको, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज्ञान न के आगे। और देखिए क्या होता है जब इतने सारे तेज़ी से के साथ काम करना होता है तो थोड़ा बहुत इरर आ जाता है, उस चीज़ को आप समझो यार, कॉमन सेंस से आपके पास होना चाहिए, आप लोग पढ़े लिखे हो। और यहाँ पर कई सारे छात्र कह रहे थे भाई यार 1 जनवरी 2022 की बता रहे हो, तो भैया आपको यह मालूम होना चाहिए क्या आके हैं, तुम लोग के पास दिमाग एकदम नहीं है। जो लोग ये कमेंट करते हैं 01001 इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम यही रहता है ना 01/0001, तो यहाँ पे अगर 01/01 की जगह जनवरी लिख दिया है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, लेटेस्ट वाला है मेरे दोस्त, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो पागलपंथी करते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि ये जनवरी का दिखा रहे हैं, वीडियो का स्पेलिंग गलत है, तो भैया अपना ज्ञान अपने पास रखें, सारी डाटा एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि एकमात्र ऐसा चैनल है प्रकाश यूटेक जो रेगुलर अधिकारियों के टच में रहता है, DW के अधिकारियों से, उनसे संपर्क करने के बाद ही आपको कोई अपडेट बताया जाता है।
चलिए अब जो बात करते हैं, यहाँ पे एक छात्र ने मेरे को ये सामान ये मतलब भेजा है कि सर मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस करके यहाँ पे मेरा जो क्रेडिट है वो हुआ है, 6100 रुपये का इनका स्कॉलरशिप जो है वो आया। इनका कहना है भाई अभी मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। देखिए अगर कुछ छात्रों का PFMS भी आ रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी का IPBS के थ्रू आ रहा है, कुछ का PFMS के थ्रू भी आ रहा है, तो आप लोग मतलब पेशेंस रखो, हफ्ते 10 दिन में सबकी आ जाएगी। इसके अलावा तो गाइस यार चाहे कोई क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो या फिर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट उलझा हुआ हो, बोल्ट्स हो या फिर जेई नीट, आपके सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दूर किया जाएगा। जहाँ गाइस फिलो पे आप 24 घंटे यानी कि 24/7 आपको हेल्प किया जाएगा विद इन दिस 3 easy steps। जहाँ गाइस आप देख सकते हो कि आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर और एप स्टोर पर भी मिल सकता है, जहाँ से आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको सिंपल सा साइन अप कर देना है अपने मोबाइल नंबर के साथ, और साइन अप करने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन है उसका एक फोटो क्लिक करना है या फिर उसको टाइप करके अपलोड कर देना है। जैसे आप क्वेश्चन अपलोड कर देंगे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो विद इन 60 सेकंड्स आपके जो भी डाउट है उसको दूर करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। तो गाइज अगर आप मेरा रिफर कोड जो है उसको यूज़ करेंगे जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ज़रूर से डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। स्टेज 1 की अभी छात्रवृत्ति भेजी जा रही है, तो भैया कुछ लोग स्टेज 2 में अभी फॉर्म भरे हैं, उतावले हो रहे हैं सर मेरी कब आएगी मेरी कब आएगी। चलो ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, अब बात करते हैं डायरेक्टली आपका स्टेटस कब से सॉर्ट होगा और आपका करेक्शन कब से जो आप पोर्टल पे करेक्शन है वो कर सकेंगे। गाइज ऑफिशियल जो डेट है वो सामने निकल के आई है, 10 दिसंबर के लिए कहा गया है कि 10 दिसंबर से आपका स्टेटस जो है वो दिखेगा। और 10 दिसंबर इतना लेट क्यों हो रहा है इस चीज़ का आपके जहन में सवाल उठता होगा ना भाई कि स्टेज 1 का इतना लेट क्यों हो रहा है। कारण एक ही है, ये चाहते थे कि स्टेज 1 स्टेज 2 का जो भी स्टेटस और करेक्शन है वो एक साथ मतलब काम हो, समझ रहे हो, बार बार माथा पच्ची करने से अच्छा है एक बार में करो। इसलिए ये क्या काम करेंगे कि दोनों का साथ में दोनों स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का स्टेटस एक साथ शो करेंगे और इनका करेक्शन भी एक साथ होगा। उसके बाद फिर 20 दिसंबर के बाद या फिर 28 दिसंबर के बाद इनकी स्कॉलरशिप इनके बैंक अकाउंट्स में फिर से भेज दी जाएगी, समझ रहे हो। बहुत ही क्लियर कट तरीके से मैंने वीडियो में आपको सारी पॉसिबिलिटी सारी चीज़ें समझा दिया, PFMS के बारे में बात किया, IBPS के बारे में बात किया, नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में बात किया, स्टेटस करेक्शन डेट ईच एंड एवरीथिंग आई हैव मेंशन इन दिस वीडियो, मतलब जो भी मैंने मेंशन किया था उसके बारे में मैं बात किया। सॉरी एक्चुअली क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो रेगुलर बोलना होता है लेकिन वीडियोस में मुझे टोटली हिंदी बोलना है, थोड़ा बहुत फ्लो निकल जाता है उस, वो आप समझ सकते हो कि इसके अलावा चलिए हम जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए दिल से अगर वीडियो 1% काम की हो और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए दिल से बता रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार अभी स्कॉलरशिप लंबी जर्नी है और अगर आप लोग एक ऑथेंटिक न्यूज़ या फिर ऑथेंटिक सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको कई सारी कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे और आपको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर आप बाद में कहेंगे सर आपने कुछ कहा नहीं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, पहले हमारे साथ जुड़ तो जाओ, उसके बाद जो चीज़ें होंगी देख लिया जाएगा। तो चलिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रकाश से यूटेक, जय हिंद, वंदे मातरम।